ओके, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर वन चल रहा है स्टार्ट विद कंप्यूटर, देखिए ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है और इस चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक हैं और जो टॉपिक इस चैप्टर में है वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इस चैप्टर को इतने दिन लग रहे हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। पेज नंबर जो दिया है हमारा, पेज नंबर दिया है हमारा 13। तो पेज नंबर 13 में लिखा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि हमारी इनपुट यूनिट पूरी हो चुकी है। अब बात कर लेते हैं सीपीयू की, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो हमारा कंप्यूटर होता है। वन मिनट स्टूडेंट्स, मैं देखता हूँ। शायद अभी यहाँ अभी प्रॉपर ठीक नजर आ रहा है, लाइट ऑन की है, ठीक है, अभी सही से नजर आ रहा है। तो बात करते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि हमारा सीपीयू। बुक में देखिए क्या कहा है, बुक में कहा है द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू इज आल्सो नोन एज द प्रोसेसर, इसको हम प्रोसेसर भी कह सकते हैं। इट इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, और ये कंप्यूटर सिस्टम का हमारा एक ब्रेन होता है, दिमाग होता है। That process input data and convert into the meaningful output information. जो हमारे द्वारा दिए गए instructions, यानी कि जो information, जो instructions हम computer को देते हैं input data के थ्रू, उसको processing करके, उसको convert करके output result हमें provide कराता है, result हमें देता है। It is referred to as the administrative section of the computer system that at the interpret the data and instructions. ये एक एडमिनिस्ट्रेशन होता है, यानी कि सारा का सारा कंप्यूटर में होने वाली जितनी भी एक्टिविटीज है उसको सीपीयू ही हमारा कंट्रोल करता है। इट कोऑर्डिनेट द ऑपरेशन एंड सुपरवाइज ऑफ द इंस्ट्रक्शंस आल्सो, तो जो कंप्यूटर को हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं उन सबको कोऑर्डिनेट करता है, एक्टिविटीज कंप्यूटर में होने वाली एक्टिविटीज उन सभी को कोऑर्डिनेट करता है। सीपीयू वर्क्स विद द डेटा इन द discrete from that either 1 or 0. Some of the basic function of CPU as follow. तो CPU का जो work होता है 0 और 1 पे work करता है, यानी कि इसको हम binary language बोलते हैं, 0 and 1. ये क्या हो गया हमारा binary language हो गया, 0 पे off और 1 पे हमारा on. जो हम English में लिखते हैं, suppose that हमने लिखा help, तो वो English language computer नहीं समझता, computer समझता है binary language. तो हेल्प को अगर हम बाइनरी में लिखेंगे तो एच का बन जाएगा 1 0 1 1 0, कुछ इस तरह से एक कोड बना होता है, क्योंकि इसका पूरे कोड की एक टेबल होती है। ये आपके लेवल से बाहर है, दूर की बात है, बस ऐसे एग्जाम्पल में मैंने बोल दिया। तो सीपीयू केवल बाइनरी लैंग्वेज समझता है, जो हम लिखते हैं उसे नहीं समझता है। हमारी लैंग्वेज को कन्वर्ट सीपीयू को करके कौन भेजता है, इंटरप्रेटर और कंपाइलर हमारे सीपीयू में लगे रहते हैं। तो कुछ बेसिक फंक्शन है, इट इज इशू कमांड एट द पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। तो सीपीयू का काम क्या होता है कि जो कमांड्स हम देते हैं सीपीयू को कीबोर्ड के थ्रू, तो ये कमांड्स सीपीयू अलग अलग पार्ट्स को हमें दे देता है। इट्स कंट्रोल द सीक्वेंस ऑफ द ऑपरेशन एज पर स्टोर इंस्ट्रक्शंस, और स्टोर इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से ये ऑपरेशन को कंट्रोल करता है कि किस चीज़ को कहाँ देना है और कब प्रोसेसिंग करनी है, उस चीज को भी सीपीयू ही हमारा कोऑर्डिनेट करता है। इट परफॉर्म द डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन एंड सेंड द रिजल्ट टू द आउटपुट यूनिट, और डेटा को प्रोसेसिंग करने के बाद रिजल्ट हमारे आउटपुट पर ये सेंड कर देता है। कौन कर देता है सेंड, हमारा सीपीयू सेंड कर देता है। जैसे आपने कंप्यूटर को सपोज डेटा दिया, कोई भी डेटा दिया, उसकी प्रोसेसिंग करने के बाद क्या करेगा, वो उसे आउटपुट डिवाइस पर सेंड कर देगा। आगे क्या दिया है, द सीपीयू इटसेल्फ 3 पार्ट्स, तो सीपीयू के 3 पार्ट्स होते हैं। तो चलिए इनके बारे में डिस्कस करते हैं, एएलयू, सीयू और आपका एमयू। ये 3 पार्ट्स हमारे सीपीयू के होते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एएलयू, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, यानी कि कंप्यूटर में होने वाली जितनी भी मैथमेटिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जो भी मैथमेटिक्स से रिलेटेड हम इंस्ट्रक्शन सीपीयू को देते हैं, सीपीयू उनको सोल्व करने के लिए उन्हीं
प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए सीधा एएलयू को भेज देता है कि भाई ये आपके डिपार्टमेंट का काम है। एएलयू एएलयू होती इसलिए है हमारे कंप्यूटर में कि मैथमेटिक्स से रिलेटेड सारी जो प्रॉब्लम्स है वो एएलयू ही सोल्व करे। तो एएलयू का काम क्या होता है, दिस यूनिट परफॉर्म द अर्थमेटिक। ये यूनिट अर्थमेटिक यानी कि एड सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन जो भी है उन सबको ये कंट्रोल कर लेती है। इसके अलावा एंड लॉजिकल ऑपरेशन ऑन द डेटा अवेलेबल, जो हमारा डेटा है उस पर लॉजिकल ऑपरेशन ये करती है। वेन एवर अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन इज टू बी परफॉर्म द रिक्वायर्ड डाटा इज ट्रांसमिट फ्रॉम द मेमोरी यूनिट टू एएलयू। तो जब हम मैथमेटिक्स या फिर लॉजिकल डेटा को प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं तो मेमोरी यूनिट से ये डेटा एएलयू को जाता है। जब आपने कंप्यूटर में डाला कि 2 × 2 बताइए कितने होते हैं, तो वो इनपुट के थ्रू सीपीयू में गया, सीपीयू से पहले जाता है वो मेमोरी में, फिर मेमोरी इसको देखती है कि प्रॉब्लम किस टाइप की है, लॉजिकल है अर्थमेटिकल है या फिर सीपीयू सीयू वाली है, तो सीयू देख लेगा। लेकिन अगर अर्थमेटिक या फिर लॉजिकल है तो सीधा वो सीपीयू को हमारे पहुंच सकता है। नेक्स्ट क्या दिया है इसमें, बिफोर द कंप्लीटेशन ऑफ प्रोसेसिंग डेटा मे बी नीड टू ट्रांसफर बैक फर्दर सर्वर्स टाइम बिटवीन द टू सेक्शंस। और डाटा को जब प्रोसेसिंग हो जाती है, प्रोसेसिंग के बाद जो आउटपुट मिलता है, आउटपुट देने से पहले भी वो स्टोरेज यूनिट में एक बार फिर हमारा डेटा जाता है। तो ALU का काम होता है हमारे कंप्यूटर में होने वाली मैथमेटिक्स से रिलेटेड सारी कैलकुलेशंस और जो लॉजिकल कैलकुलेशंस होती है, एंड इफ दे एल्स एनीथिंग, इस तरह की जो कैलकुलेशंस है अगर वो है तो वो सारी की सारी हमारी कौन करती है, वो सारा का सारा प्रोसेसिंग कवर हमारा ALU करती है। नेक्स्ट क्या दिया है, कंट्रोल यूनिट, दिस यूनिट चेक द करेक्टनेस ऑफ द सीक्वेंस ऑपरेशन। तो सीयू को अगर हम मैनेजर कहें, कंट्रोल यूनिट यानी कि कंप्यूटर का मैनेजर, जितनी भी करेक्टनेस है, जो भी एरर्स है, ऑपरेशंस है, उन सबको ये कोऑर्डिनेट करता है, करेक्ट करता है। इफ द फेचेस द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी यूनिट इंटरप्रेट देम द इश्यूज करेक्ट। अगर कोई भी मेमोरी यूनिट में प्रोग्राम फेचेस हो जाता है, मिस्टेक्स हो जाती है, गलत होता है, तो उसको ये करेक्ट कर देता है। एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, कोई प्रोसेसिंग हो रही है उसको एग्जीक्यूट करने में भी हमारे सीयू का बहुत बड़ा हाथ होता है, सीयू ही उसको एग्जीक्यूट करता है, चलाता है। इट आल्सो कंट्रोल द इनपुट आउटपुट डिवाइस। इसके अलावा हमारे कंप्यूटर में जो इनपुट और आउटपुट डिवाइस लगे रहते हैं उन दोनों को भी कंट्रोल यही करता है। एंड डायरेक्ट द ओवरऑल फंक्शन ऑफ द अदर यूनिट्स टू द कंप्यूटर। और इसके अलावा कंप्यूटर में जितने भी और अदर्स फंक्शंस हैं, जितने भी अलग पार्ट्स लगे हैं, उन सब को भी कंट्रोल कौन करता है, हमारा सीयू यूनिट करती है। नेक्स्ट क्या दिया है, अभी मेमोरी यूनिट एमयू। तो ये होगी सीयू हमारे, हम बात करते हैं एमयू की। एमयू मतलब हमारी मेमोरी यूनिट। जब भी हम डेटा डालते हैं कंप्यूटर में तो वो डेटा प्रोसेसिंग होने से पहले हमारी मेमोरी में सेव होता है, और जब प्रोसेसिंग हो जाती है, आउटपुट हमें मिलता है, तो आउटपुट से पहले भी वो डेटा हमारा सेव रहता है टेम्परेली। अगर आप उसे परमानेंटली सेव करना चाहते हैं तो वो डेटा परमानेंटली भी हमारा कंप्यूटर में सेव हो जाता है। तो डेटा को स्टोर करने का काम कौन करता है, हमारी एमयू यूनिट करती है, यानी हमारी मेमोरी यूनिट। कंप्यूटर में जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी डेटा हम इंस्ट्रक्शंस डालते हैं इनपुट डिवाइस के थ्रू, वो कहाँ स्टोर होता है, वो स्टोर होता है हमारा एमयू में, यानी कि हमारी मेमोरी यूनिट्स में। आगे क्या दिया है इसमें पढ़ लेते हैं, मेमोरी यूनिट्स। एमयू इज द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर वेयर द डाटा इज स्टोर्ड एंड इट्स एसेंशियल टू सीपीयू। तो एमयू एक ऐसा पार्ट है कंप्यूटर का जहाँ पर डेटा स्टोर होता है और जो सीपीयू से एसेसिबल, यानी कि सीपीयू से इसको अटैच कर देता है, सीपीयू उसको दे देती है। The various measurement unit of computer memory are given here. तो computer memory की जो measurement है, data को measurement करने की units हैं, वो नीचे दी है। जैसे भाई अगर हम liquid को measurement कर रहे हैं तो liter में करेंगे, हमारा solid है kg में, mg में करेंगे, या फिर हमारी distance है उसको meter, kilometer में हम measurement करते हैं। लेकिन अगर जो data आप डाल रहे हो, video, graphics लिख रहे हो computer में, तो
कंप्यूटर भी तो उसको मेजरमेंट करता है, उसको मेजरमेंट किस में करता है, वो बाइट्स बिट्स के बी एम बी जी बी इन सब में कर देता है। तो सबसे पहले हमारी दिए है बिट्स। ए बिट इज ए एलिमेंट्री यूनिट्स ऑफ मेमोरी, दे आर द ओनली टू पॉसिबिलिटीज फॉर ईच डिजिट, आइदर जीरो एंड वन। तो ये एक एलिमेंट्री यूनिट मेमोरी है, सबसे छोटी यूनिट होती है हमारी मेमोरी की बिट्स। इसके बाद आता है बाइट्स, ए ग्रुप ऑफ 8 बिट्स कॉल्ड ए बाइट। यानी कि बिट्स जो होती है, एक तो बिट्स होती है हमारी, एक होती है बाइट्स, तो ये एक एलिमेंट्री यानी कि 1 पॉइंट्स। जैसे 100 ग्राम हो गया तो 100 मिलीग्राम्स हो गया। तो इस तरह से हमारी जो बिट्स है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है मेमोरी यूनिट की। और बिट्स से अगर बाइट की तरफ चले तो 8 बिट्स का ग्रुप अगर आ जाए, अगर 8 बिट्स है, टोटल 8 बिट्स मिलके, क्या लिख देता हूँ, 8 बिट्स, टोटल 8 जो बिट्स है हमारी, वो मिलके क्या बन जाता है हमारा, 1 बाइट बन जाता है। 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट्स, 1 बाइट्स बन जाता है 8 बिट्स मिलकर के। आगे क्या दिया है, 1 बाइट्स इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विच कैन रिप्रेजेंट ए मीनिंगफुल डेटा आइटम और कैरेक्टर इन ए कंप्यूटर मेमोरी जनरली मेजर इन द टर्म्स ऑफ बाइट्स। तो मोस्टली जो है डेटा को कंप्यूटर जो है बाइट्स और बिट्स में मेजरमेंट करता है। उसके बाद बाइट्स और बिट्स मिल के आगे के बी एम बी जी बी टेराबाइट बन जाती है। थर्ड दिया है हमारा निब्बल, निब्बल भी एक यूनिट है मेजरमेंट करने की। ए ग्रुप ऑफ 4 बिट्स इज कॉल्ड निब्बल, यानी कि हाफ बाइट्स। अगर हम निब्बल की बात करें तो बाइट्स का हाफ पार्ट, यानी कि 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स, ठीक है भाई, 1 बाइट इक्वल टू कितना हो जाता है हमारा 8 बिट्स। अगर हम निब्बल की बात करें, निब्बल तो निब्बल हो जाएगा हमारा 4 बिट्स या फिर 1 बाइट्स अपॉन 2, 1 बाइट्स अपॉन 2, 1 बाइट्स में कितने हैं 8 बिट्स अपॉन 2, यानी कि 4 बिट्स हो जाएगा। तो ये थे मेजरमेंट्स। आगे यूनिट्स ऑफ मेमोरी, आगे एक टेबल दी है किस किस में हम मेजरमेंट करते हैं, वो टेबल देख लीजिए भाई। सबसे पहले क्या दिया है, यूनिट्स ऑफ मेमोरी दिख भी रहा नहीं तो मैं बोर्ड पे लाइट चली गई, वैसे चलो नज़र तो आ ही रहा है। तो बात कर लेते हैं आगे भाई, इसमें हमारे पास जो दिया है एक टेबल दी है, फॉलोइंग द टेबल सो द मैन स्टोरेज यूनिट इन कंप्यूटर। तो जो मैन स्टोरेज होती है कंप्यूटर की, उसको ये शो कर रही है। तो टेबल दी है, देख लीजिए क्या कहा है। बिट्स ए बाइनरी यूनिट इज लॉजिकल, 0 एंड 1 रिप्रेजेंट द पासिंग और द एक्टिव स्टेट्स ऑफ द कंपोनेंट्स इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। बाइट्स ए ग्रुप ऑफ 8 बिट्स इज बाइट्स, ए बाइट्स इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विच कैन रिप्रेजेंट द डाटा आइटम और कैरेक्टर्स, जो डेटा आइटम्स को और कैरेक्टर को प्रेजेंट करती है हमारी बाइट्स। निब्बल ए ग्रुप ऑफ 4 बिट्स इज कॉल्ड निब्बल। वर्ड ए कंप्यूटर वर्ड लाइक ए बाइट्स इज ए ग्रुप ऑफ फिक्स नंबर इन द बिट्स। तो वर्ड्स क्या होगा, अगर एक वर्ड की बात करें तो बाइट्स हो जाती है जिसमें कुछ बिट्स फिक्स रहती है। प्रोसेस ए यूनिट दिस लेंथ ऑफ कंप्यूटर वर्ड इज कॉल्ड वर्ड साइज। वर्ड लेंथ एंड द मेनी स्मॉल 8 बिट्स आर मे बी एज लॉन्ग एज 96 बिट्स तक हो सकती है एक वर्ड में, 1 बिट से लेके 96 बिट्स तक हो सकती है लिखने में, इतनी बिट्स मेमोरी खर्च हो सकती है। ए कंप्यूटर स्टोर द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर वर्ड्स, पार्ट्स ऑफ द अबाउ सम हायर स्टोर यूनिट्स आर लिस्टेड बिलो। तो नीचे एक मेमोरी यूनिट की पूरी लिस्ट दी है, मैं आपको लिख कर बता देता हूँ, आप इसे देख सकते हैं। सबसे पहले दिया है 1 केबी,
उसका टू उसके बाद दिया है 1 GB 1024 MB उसके बाद दिया है 1 TB 1024 GB उसके बाद दिया है 1 TB 1024 TB। तो ये मेमोरी यूनिट्स है हमारी, ये मेमोरी की इकाइयां हैं, इनको देख लेंगे आप, आपकी बुक में भी दिया है। अब उसके बाद क्या कह रहा है, ये हेडिंग दिया है प्राइमरी मेमोरी। देखिए मेमोरी यूनिट हमारे कंप्यूटर में होती है तो उसमें दो होती है, एक तो प्राइमरी मेमोरी दूसरी होती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी। अब दोनों के अलग अलग पार्ट्स होते हैं। प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर मेमोरी को अगर डिवाइड किया गया तो दो कैटेगरी में किया गया है, एक प्राइमरी मेमोरी में किया गया है, दूसरा किया गया है हमारा सेकेंडरी मेमोरी। तो सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी की बात करते हैं। ये कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है और जो कंप्यूटर में फिक्स रहती है, फिक्स हमारी सेकेंडरी में रहती है, लेकिन सेकेंडरी में कुछ डिवाइस को अलग कर लिया जाता है, दोबारा भी लगाया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी स्टोरेज नाउ आल्सो द मेन स्टोरेज और मेमोरी। इट इज द मेन एरिया ऑफ द कंप्यूटर इन विच डेटा स्टोर इन द क्विक एक्सेस बाय कंप्यूटर प्रोसेसर। तो ये जो क्विक डेटा होता है, बड़ी जल्दी स्टोरेज अगर हमें करना होता है तो प्राइमरी मेमोरी में हमारे स्टोर होता है। कुछ ऐसा डेटा आता है जो परमानेंटली प्राइमरी मेमोरी में सेव रहता है, हमारे कंप्यूटर को स्टार्ट करने में, प्रोसेसिंग करने में वो डेटा हमारी हेल्प करता है। मेमोरी स्टोरेज टू टाइप, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसमें हमारे दो सॉफ्टवेयर, दो तरह के स्टोरेज सॉफ्टवेयर स्टोर होते हैं इन मेमोरी में, मेन मेमोरी में। एक तो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हमारे कंप्यूटर को चलाता है, वो हमारे कंप्यूटर को रन करता है। एक होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो सिस्टम सॉफ्टवेयर की हेल्प से रन होते हैं और किसी भी पर्टिकुलर टास्क को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पूरा करते हैं। द प्राइमरी मेमोरी लिमिटेड टू ऑलमोस्ट द डेटा दैट ए कंप्यूटर कैन प्रोसेस। जो प्राइमरी मेमोरी होती है एक लिमिटेड अमाउंट में होती है, इसमें आप ज़्यादा डेटा नहीं डालते हैं और वो आसानी से उसको प्रोसेसिंग कर लेती है। CPU कैन यूज दिस मेमोरी डायरेक्टली बाय प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन। CPU इस मेमोरी का यूज जब कोई भी प्रोसेसिंग करता है डायरेक्टली इससे एक्सेस हो जाता है, इससे जुड़ जाता है। ऑन द बेसिक ऑफ वोलेटिलिटी ऑफ स्टोरेज डेटा प्राइमरी मेमोरी इज क्लासिफाइड द इनटू वोलेटाइल रैम एंड नॉन वोलेटाइल रोम। तो उनकी स्टोरेज कैपेबिलिटी और प्रोसेसिंग के बेस पे प्राइमरी मेमोरी को भी दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक है हमारी वोलेटाइल मेमोरी यानी कि रोम, और दूसरी होती है नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल यानी कि जिसमें कोई भी चेंजेस आप नहीं कर सकते। एक होती है नॉन वोलेटाइल रैम जिसमें आप कोई भी डेटा जल्दी से स्टोर करके नहीं रख सकते, चेंजेस करते रहते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी की बात हो रही है, प्राइमरी मेमोरी में आ जाता है हमारा रैम और रोम। ये दो मेमोरी आ जाती है हमारी, रैम और रोम। अब इसमें सबसे पहले हमें डिफरेंस दिया है कि रैम और रोम में क्या होता है डिफरेंस। रैम होती है हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम होती है हमारी रीड ओनली मेमोरी। अब रैंडम एक्सेस मेमोरी हमारे CPU के साथ लगी रहती है, इसमें हम टेम्परेली डेटा को स्टोर करते हैं, लेकिन जैसे ही कंप्यूटर को ऑफ किया तो इसमें से डेटा हमारा इरेज हो जाता है, डेटा यानी कि चला जाता है, आप उसको डेटा को नहीं पा सकते। जो रोम होती है रीड ओनली मेमोरी, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, ये कंप्यूटर की हेल्प करती है ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाने में। इसमें आप कोई भी डेटा नहीं डाल सकते, रोम में कोई चेंज नहीं कर सकते, इसके डेटा में पहले से ही फिक्स रह सकता है और ना ही इसमें से आप कुछ डिलीट कर सकते हैं रोम से। तो चलिए पढ़ लेते हैं। सबसे पहले इसके बारे में दिया है, इट इज़ द रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम को कह रहा है। रोम के बारे में क्या कह रहा है, इट इज़ कॉल्ड रीड ओनली मेमोरी, इसको हम रीड ओनली मेमोरी कहते हैं।
डिफरेंस बता रहा है। अब रोम को देखो, इट इज ए वोलेटाइल मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी रैम को इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई भी डेटा आप डाल सकते हो और कोई भी डेटा हटा सकते हो, और जैसे ही कंप्यूटर बंद होता है तो इसमें से जो डेटा है वो सारा ही रही हो जाता है। उसके बाद यह इट इज ए नॉन वोलेटाइल मेमोरी, किसको कह रहे हैं, रोम को। नॉन वोलेटाइल रोम को बोला है क्योंकि रोम में डेटा फिक्स रहता है, जिसे आप डिलीट नहीं कर सकते, कोई इसमें एडिट नहीं कर सकते, कोई चेंजिंग नहीं कर सकते। रोम इट हैव टू कंप्यूटर टू बूट अप एंड द प्रोसेसिंग स्पीड। तो रैम हमारी कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड को प्रोवाइड कराती है, बूट होने में हमारी इसकी हेल्प करती है। डेटा स्टोरेज द कैन नॉट बी डिलीटेड, तो रोम में क्या ऐसा डेटा स्टोर होता है जो कभी भी डिलीट नहीं किया जा सकता। रेंज ऑफ रैम लाइंस बिटवीन 64 MB to 4 GB और मोर, तो जो इसकी कैपेबिलिटी होती है रैम की वो 64 MB से लेके 4 GB या उससे ज़्यादा भी इसकी कैपेबिलिटी हो सकती है। रोम दे आर ऑल्सो कॉल्ड द परमानेंट स्टोरेज मेमोरी, रोम को हम परमानेंट स्टोरेज मेमोरी कह सकते हैं। रैम इट इज वेरी कॉस्टली प्राइस एंड इट सेव इन द लॉन्ग रेक्टेंगल चिप। रैम क्या होती है, प्राइस में काफ़ी महंगी होती है और इसकी जो सेप होती है रेक्टेंगल जो लॉन्ग रेक्टेंगल होता है उसकी तरह इसकी सेप होती है। रोम इज ए नॉट यूज बूस्ट द स्पीड ऑफ कंप्यूटर, रोम का काम कंप्यूटर की स्पीड को बूस्ट करना नहीं होता है, रोम का काम केवल परमानेंटली जिसमें डाला गया है इंस्ट्रक्शन उसको देखना होता है। इस स्टोर डाटा टेम्परेली, रैम क्या है, डाटा को टेम्परेली स्टोर करती है। रोम इट इज स्टोर डाटा परमानेंटली, तो ये डाटा को परमानेंटली स्टोर करती है। तो ये थे भाई हमारा प्राइमरी मेमोरी, रैम और रोम, दो तरह की मेमोरी होती है कंप्यूटर की, हमारी प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी वो होती है हमारी मेन मेमोरी होती है, कंप्यूटर की सिस्टम में अटैच रहती है, जिसकी हेल्प से कंप्यूटर अपने प्रोग्राम को रन भी करता है और डेटा को डायरेक्टली सीपीयू से अटैच भी करता है। तो प्राइमरी मेमोरी दो तरीके से होती है, एक रैम एक रोम। रैम हमारे कंप्यूटर की स्पीड को बूस्ट करती है और प्रोग्राम को रन करती है, और जबकि रैम परमानेंट नहीं टेम्परेली स्टोरेज डिवाइस है, जैसे ही कंप्यूटर बंद हुआ तो रैम से डेटा हमारा गायब हो जाता है ऑटोमेटिकली। रोम रीड ओनली मेमोरी है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है रीड ओनली मेमोरी, तो इसमें आप डेटा को परमानेंटली स्टोर रहता है और जो डेटा इसमें स्टोर रहता है उसे आप डिलीट नहीं कर सकते हैं, यही इसमें कोई चेंजेस आप कर सकते हैं, कोई चेंज नहीं कर सकते, कोई डिलीट नहीं कर सकते, कोई एडिट नहीं कर सकते और डेटा परमानेंटली स्टोर रहता है। इसका कोई काम नहीं होता है कि सीपीयू की स्पीड को बूस्ट करे, इसका काम होता है डायरेक्ट सीपीयू से लगी रहती है और डेटा परमानेंटली देती रहती है। तो इसकी जो सेप होती है रैम की वो रेक्टेंगल चिप की तरह होती है, जिसे आप निकाल भी सकते हो दूसरी भी फिक्स करते हो। रोम जो है हमारे सीपीयू के अंदर फिक्स रहती है, मेमोरी के अंदर फिक्स रहती है, इसको आप जल्दी चेंज नहीं कर सकते। तो ये था प्राइमरी मेमोरी, बात कर लेते हैं सेकेंडरी मेमोरी की। अब सेकेंडरी मेमोरी को हम एक्जुलेटरी मेमोरी भी कहते हैं। एक्जुलेटरी मेमोरी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें आप डेटा को डिलीट भी कर सकते हो, हटा भी सकते हो, इरेज भी कर सकते हो और परमानेंटली 10-20 साल 100 साल तक, जब तक आप चाहें कि जब तक हमारा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस ख़राब ना हो तब तक आप डेटा को उसमें स्टोर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट सेकेंडरी मेमोरी के बारे में हम पढ़ेंगे कल, एग्जाम्पल दे के छोड़ रहा हूँ सेकेंडरी मेमोरी का। सेकेंडरी मेमोरी का एग्जाम्पल है हमारा हार्ड डिस्क। क्या एग्जाम्पल है हमारा सेकेंडरी मेमोरी का, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क एग्जाम्पल है, तो हार्ड डिस्क को आप देख ही सकते हो कि कैसे वो डेटा को स्टोर करती है। तो कल पढ़ाएंगे हम सेकेंडरी मेमोरी के बारे में, तो केवल आज के लिए इतना ही, थैंक यू। जिसके पास बुक नहीं है मैं उनको एक बार फिर बताना चाहता हूँ, वो बुक भी ले लें अपनी, लास्ट ईयर जो बुक थी हमारी क्लास 6 में, और जो बच्चे 5th से 6th में आए हैं, जो बच्चे 5th से 6th में आए वो ये वाली बुक ले लें, और जो बच्चे 6th से 7th में गए उनके पास पुरानी बुक होगी कंप्यूटर की, उनसे भी आप लेके काम चला सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और बुक्स जरूर ले लें, अपना वर्क कम्प्लीटली करें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो पर्सनली मुझे फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।